फरमाना सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। शहीद एक जान देकर जिंदा, तो जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए हो वो मुस्तफा कैसे मुर्दा हो सकते हैं? सुभान अल्लाह। आगे चलिए, किस रब के लिए? ला शरीका ला, जिसका कोई शरीक नहीं है। आगे फरमाया, वबी जालिका उमिरतु व आना अव्वलुल मुस्लिमीन। फरमाया अल्लाह ने मुझे ये भी हुक्म फरमाया, हबीब आप ऐलान कर दे अपनी जुबान फैज तर्जमान से, आना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला मुस्लिम हूँ। सुभान अल्लाह। तो जो कीजिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम क्या है? सबसे पहले मुस्लिम हूँ। इसी से मैंने आपको नूरानियत वाला मसला समझाना है। हुजूर क्या है? सबसे पहले मुस्लिम है। और आसान अल्लाह की इस बनाई धरती पर कायनात में सबसे पहला मुसलमान कौन है? हमारे लाजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गौर कीजिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हो रही है सारे नबियों के बाद, क्या सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल कोई मुसलमान नहीं था? बोलिए जरा, क्या हुजूर की विलादत से, हुजूर की आमद से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक कोई मुसलमान दुनिया में नहीं था? ना ना, पहले भी मुसलमान थे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कुरान के अंदर जिक्र फरमाया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारगाह में अर्ज करते हैं, तवफ्फनी मुस्लिमा वा अल्हिकनी सुभान अल्लाह। इसको कहना आता है वो तो क्या? सुभान अल्लाह। अरे वो सुननी और आज भी चुप हो, कमाल लिया गज बज के कहो सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह ताला के जितने भी नबी हैं सारे के सारे नबी मुसलमान हैं, सारे नबी मुस्लिम। या अल्लाह फरिश्ते कौन है? फरमाया बारा हो अस्लमा मन फिस समावात। मैं जितने भी आसमानों वाले हैं वो सब भी मुस्लिम हैं। जिब्राइल क्या है? बोलते जाओ। हजरत जिब्रील क्या है? मुस्लिम। हजरत मिकाइल मुस्लिम, हजरत इजराइल मुस्लिम, हजरत इसराफील मुस्लिम। अल्लाह के सारे फरिश्ते मुस्लिम, अल्लाह के सारे नबी मुस्लिम। लेकिन रब फरमाते हैं, हबीब फरमा दो आना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं मुस्तफा सब से पहला मुसलमान हूँ। अब सरकार से पहले 1,25,000 कमोबेश नबी है, करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं, वो सब के सब मुसलमान हैं, तो सरकार सबसे पहले मुसलमान कैसे हुए? माना पड़ेगा अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नूर पैदा फरमाया। सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सरकार के नूर को। और मुसलमान का माना क्या है? सजदा करने वाला, सर झुकाने वाला, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने वाला। तो कायनात में जब अल्लाह ने कायनात को बनाना चाहा तो सबसे पहले हुजूर का नूर तखलीक फरमाया। सरकार का नूर उस वक्त से लेकर हजरत आमिना के पास आने तक अल्लाह की हमदे बयान करता रहा, तारीफे बयान करता रहा। सबसे पहले क्योंकि सरकार है इसलिए फरमाया आना अव्वलुल मुस्लिमीन। और सरकार आना अव्वलुल मुस्लिमीन के हकीकी मिसदाक तब हो सकते हैं जब माना जाए अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा का नूर पैदा फरमाया है।
ये दो ग्रुपों के मरकजी हेड है, नाम नहीं लेता क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारा नाम ले लिया। हाँ भाई, तुम्हारा नाम पाप होता तुमने गुस्सा क्यों होता। तो दो ग्रुपों के मरकजी हेड है शाह इस्माइल देलवी है। मसनवी शरीफ की शरह लिखी है सिर के नूर, उसके अंदर अल्लाह ने उसके कलम से भी लिखवा लिया। शेर पढ़ता हूँ, बस फिर इजाजत। सो अव्वल ही पैदा हुआ इनका नूर, सुभान अल्लाह जी कह लिया सुभान अल्लाह। सो अव्वल ही पैदा हुआ इनका नूर, सो अव्वल ही ظاہر کیا کو کہ آخر ظہور۔ ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا، سارے نبیوں کے بعد اسی نور کو بشری لباس کے اندر اللہ نے حضور کو بارہ ربیع الاول پیر کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔